Jai Hind! Good morning, everyone. Hope you all are fit, fine, and healthy at home. Today I am back again with the remaining portion of topic planning. This chapter is from your Organisation of Commerce Standard Twelfth, and I am your educator Gorawadhanik. Welcomes you on the educational platform organized by Devi International School. So, without wasting much time, let's have a quick recap so students in the previous video we have learned up to 3.1.4 which means we have seen introduction of planning concept of planning definition of planning characteristics and limitations now in this video we are going to study three topics which is process of planning types of planning and elements of planning now, you all are guys thinking that this all are looks like a similar meaning, but these are slightly different from each other. Like in process of planning, we are going to see that how planning works. In types of plan, we have seen what are the different varieties of plan which we can use in an organization. And third is element of planning which shows you that what are the major ingredients or what are the major things we have to keep in mind before planning so guys without wasting much time let's get started so our first topic is planning process as you all know students it is an intellectual process planning and it's give you a criteria of future whatever you decide

तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप जो भी प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है और वो ऑब्जेक्टिव प्रैग्मैटिक होना चाहिए वट इज़ प्रेगमेटिक इट मीन्स टू बी रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल यानी वास्तविक तौर पर जो आप लक्ष्य अचीव कर सकते हो जो आप टारगेट पा सकते हो आपको उतना ही टारगेट अपने लिए रखना होगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है विच मीन्स फर्स्ट स्टेप शोज़ यू टू हैव आर डेफिनेट ऑब्जेक्टिव सेकेंड स्टेप शोज यू क्लैरिफाइंग ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस सी प्रीमाइसिस यहाँ हम बात सिर्फ कंपनी की नहीं कर रहे हैं प्लानिंग प्रमाइसिस ये स्टेप ये बताता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए विच मीन्स कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके इंटरनल फैक्टर्स कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे यानी हम आसान भाषाओं में समझें कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो ये देखेगी कि वो प्रोडक्ट उसे बनाने में ज़्यादा सस्ता बन रहा है या बाहर से ख़रीदने में तो उन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन वो चुन लेंगी क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रमाइसिस शोज़ यू दैट कि आपका जो भी काम होने वाला है वो सब क्लियर हो शॉर्ट में हो और सबको पता हो कि वो काम कब कैसे और किस तरह अंजाम दिया जाने वाला है थर्ड स्टेप शोज़ यू कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर डिसाइडिंग वर्क प्लेस तीसरा स्टेप जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है कि आप जानकारी बटोरें इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक वेदर इट इज़ डायरेक्टली और वेदर इट इज़ इनडायरेक्टली क्योंकि यही सारी जानकारियाँ आपके प्लान को इफ़ेक्टिवनेस और एफिशेंसी प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर के लिए फोर्थ ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव प्लान देखिए लाइफ इज़ अनसर्टेन, ऑल दो फ्यूचर इज़ टू तो इस अनसर्टिन फ्यूचर में हमारे पास प्लान ए और प्लान बी दोनों होने चाहिए जिससे कि कभी सिचुएशन चेंज होती है तो हम प्लान बी की तरफ जा सकें यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टू सेल द गुड्स इधर बाय प्रोड्यूसिंग और परचेसिंग एज आई सेट कि क्या आप अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करेंगे या फिर आप रॉ मटेरियल्स परचेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी आपके पास ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए फिफ्थ स्टेप शोज़ यू इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव इवेल्युएशन वर्ड इट्स एल स्टेट दैट कि आपको सभी को कंपेयर करके ये देखना होगा कि आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लान कौन सा है फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये चीज़ मैथमेटिकल या फिर स्टेटिस्टिकल तरीके से की जा सकती है हम इसे आसान भाषाओं में ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं यानी हर कंपनी गणित के तौर पर यानी संख्याओं के माध्यम से ये जानने की कोशिश करती है कि, कि किस प्लान में उससे ज़्यादा फ़ायदा है इसे हम कहते हैं इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिवस स्टेप सिक्स शोज़ यू सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव आफ्टर कंपेयरिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव सारे प्लान्स को कंपेयर करने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसी की तरफ बढ़ें जिसमें आपको आपका ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा हो सो पॉइंट सेवन शोज़ यू फॉर्मूलेशन एंड एवेल्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्लान सब्सिडरी शब्द का मतलब दोस्तों यही होता है कि हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा लेकर चलें यानी हम ये बात कर सकते हैं जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव हैव टू कंसिडर बेसिक प्लान टू सपोर्ट बेसिक प्लान देखिए बेसिक प्लान यानी एक जो हमने सबसे पहले जो सबसे बेसिक प्लान बना के रखा हुआ है कंपनी में जो सभी को फॉलो करना है ठीक है उसके साथ हम एक सब्सिडरी प्लान यानी एक, एक एक्स्ट्रा प्लान साथ पे लेकर चलना पड़ेगा ऐसा हम इसलिए करते हैं या आप इस एग्जांपल से समझ पाएंगे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ही डिसीजन ले रही है कि जो वो कार बनाएगी उसमें जो टायर लगाएंगे वो खुद ही प्रोड्यूस करेंगे या फिर किसी और से लेंगे यानी एक सब्सिडियरी प्लान वो लेकर चल रहे हैं अगर उन्हें ये फ़ायदा हो रहा है कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें खरीद कर अच्छे से बना कर क्वालिटी भी मेंटेन कर पा रहे हैं और प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है तो वो हमेशा उस प्लान की तरफ जाएंगे अगर इस प्लान में उन्हें नुकसान दिखता है कि चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं प्रॉब्लम है, है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो वो खुद ही प्रोड्यूस करेगी और फिर उसे अपनी कार में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी एज रिजल्ट सब्सिडरी प्लान इज प्रिपेड इट इज़ नेट सेक्ट द प्लान इन फ्यूचर देखिए सब्सिडरी प्लान की एक बड़ी भूमिका यह भी है कि वो ऑब्सट्रैक्ट ही करता बेसिक प्लान को ऑब्सट्रैक्ट मीन्स कि सब्सिडरी प्लान की वजह से बेसिक प्लान में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है जबकि सब्सिडरी प्लान एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है और ये बेसिक प्लान की हेल्प करता है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए अचीव करने के लिए और लास्ट स्टेप होता है इवेल्यूशन ऑफ़ प्लान देखिए लाइफ में भी इवेल्यूशन बहुत ज़रूरी है हर डे का इवेलुएशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें हमारी गलतियों के बारे में पता चलता है उसी तरह आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्लानिंग प्रोसेस द लास्ट स्टेप इज़ टू इवेलुएट द प्लानिंग इट शोज़ यू द इफेक्टिवनेस ये आपको बताएगा कि आपकी एफिशियसी कितनी थी आपने कितनी अच्छी तरह काम किया आपकी क्या फॉल्ट्स रहे और फ्यूचर में आप उन फॉल्ट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं और यही काम आता है प्रिंसिपल लुक एंड लीप क्योंकि यही बताता है आपको कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे संभल कर देख कर अपनी गलतियों से सीख कर चीज़ों को और बेहतर बनाएं तो दोस्तों ये है आर्ट प्लानिंग के प्रोसेस जो जी एस सी बुक में दिए हुए हैं फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिन ऑफ ऑब्जेक्टिव सेकेंड क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रमाइसिस

फिर हम उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें काम में आ सकती हैं उन सारी काम में आने वाले ऑल्टरनेटिवस को हम इवेलुएट करते हैं कि कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं उसमें से एक बेस्ट सिलेक्ट करते हैं उसे फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर यही प्रोसेस फॉलोअप यानी कि फीडबैक लेने के साथ साथ ख़त्म होती है लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस कंटिन्यूस है इसी वजह से यही कालचक्र दोबारा चलता ही रहता है फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव

जो पूरी कंपनी की पॉलिसीज रूल्स पर आधारित होगा यानी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट सभी को इसका पालन करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ कस्टमर अब देखिए कस्टमर ऑर्डर करता है चाहे वो क्रेडिट से पैसे दे या फिर कैश ऑन डिलीवरी दे उसे हम जिस प्रकार सामान पहुँचाएंगे इट विल हेल्प द एम्प्लॉय टू कीप प्रोम द डिसीजन नो एम्प्लॉय विल भी नीडेड परमिशन फॉर द सुपीरियर रिगार्डिंग फॉर द सिम यानी यही वो प्लान्स होते हैं जिस प्लान्स में सभी को पता होता है कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है क्योंकि ये टॉप मैनेज मैनेजमेंट मिडिल लेवल और लोअर लेवल सारे लेवल इसे एक जैसा फॉलो करते हैं सेकेंड प्लान आता है स्ट्रैटेजिक प्लान स्ट्रैटजी देखिए स्ट्रैटी मीन्स इट्स ऑल बेस अपॉन द फासफी फिलासफी जैसे सिचुएशनस चेंज होती हैं बिकॉज़ फ्यूचर इज़ अनसर्टेन कभी कभी हमें हमारे काम को लेकर हमारे स्ट्रेंथ को लेकर भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं और कभी कभी हमारी जो फोर्स आइटेनेस है मीन्स हम जो भविष्य के लिए जैसा हमने सोचा था वैसे प्लान्स कभी कभी साबित नहीं होते और इसी वजह से हमें इन स्ट्रैटेजिक प्लान्स की हेल्प लेनी पड़ती है कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी लॉस फॉर्मेशन को कम करता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है देन द थर्ड प्लान इज़ टेक्टिकल प्लान टेक्टिकल प्लान जनरली मेड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का प्लान है थोड़े समय के लिए होता है ज़्यादा समय के लिए नहीं होता और ये ज़्यादातर सिस्टमेटिक मैनर से कैसे काम करना है ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें होती हैं वो रूटीन वर्क से जुड़ी हुई होती है इट इज़ कंसर्न विद द डिपार्टमेंट हेड एंड एम्प्लॉयज़ मस्ट डू यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के प्लान्स में ये होता है कि डिपार्टमेंटल हेड्स को क्या काम करना है एम्प्लॉज़ को क्या काम करना है और वो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफाइड नॉलेज यानी मार्केटिंग हेड है तो वो मार्केटिंग की स्पेशलाइज नॉलेज वाला काम करेगा प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है टैक्टिकल प्लान क्योंकि सारे प्लान सभी लोगों के लिए अपलिकेबल नहीं होते सब लोगों का जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं वर्क एरिया अलग अलग है तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्क एरिया दिस टैक्टिकल प्लान विल वर्क फोर्थ टाइप ऑफ प्लानिंग शोज यू द ऑपरेशनल प्लानिंग ये सबसे लोएस्ट लेवल की होती है लोएस्ट लेवल इसीलिए क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स पर ज़्यादा देखने को मिलता है जनरली ये वो प्लान होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाए जाते हैं यहाँ तक कि मंथली भी हम कह सकते हैं मंथली या क्वार्टरली बनाए जाने वाले ये प्लान एनुअल प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं बिकॉज इनके अंदर स्ट्रेटीज़ होती है कि आप मंथ वाइज अपने टारगेट्स को कैसे पूरा करेंगे आप बेसिक लेवल पर कैसे काम करेंगे और इससे जितने भी कंसर्न एम्प्लॉय हैं ना सिर्फ उनको हेल्प मिलती है बल्कि उनके रूटीन वर्क में बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये ऑपरेशनल प्लान उनके बहुत काम आते हैं ऑपरेशनल प्लान इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू टेक्टिकल प्लान जैसे ऑपरेशनल और टेक्टिकल इन दोनों में बहुत ही कम अंतर है फिफ्थ प्लान्स अ सिंगल यूज प्लान इट्स एल्फ डिसंटेज कि जिसे हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकें या फिर किसी एक चीज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाने वाला प्लान दिस प्लान इज़ मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़ स्पेशल एक्टिविटीज़ लाइक एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए शिप मेकिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पैकेजिंग हो या प्रिंटिंग हो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ हमें प्लान को केवल एक ही बार एग्जीक्यूट करना होता है जैसे शिप बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर रहे हैं तो हम एक ही प्लान को एक ही बार यूज़ करेंगे चाहे वो पैकेजिंग क्यों न हो भले ही बहुत सारे प्रोडक्ट हमने मैनुफेक्चर किए लेकिन उसकी जो लेबलिंग है उसकी जो प्रिंटिंग है वो सभी पर एक जैसी ही होगी सिंगल यूज प्लान मीन्स एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला प्लान एंड लास्ट बट द लीस्ट इस कंटिजेंसी प्लान्स जैसा कि हम स्टार्ट, स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि हमारे देश में यह, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रह सकती चाहे वो पॉलिटिकल हो इकोनॉमिकल हो सोशल हो या फिर आज के दौर में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किए जाने वाला नेचुरल फैक्टर हो यानी ये हमेशा बदलता रहेगा आपकी जीवन रेखा आपके आजीब आसपास की इन्वामेंट चेंज होती रहेगी तो अगर आप ओरिजिनल प्लान पर स्टिक करके रहेंगे यानी उसी प्लान को फॉलो करेंगे रिजिडिटी के साथ तो आपकी फ्यूचर एफिशेंसी और जो प्रॉफिट है उस पर बहुत ही ज़्यादा आघात होगा यानी बहुत ही ज़्यादा उसमें नुकसान हो सकता है इसीलिए आप इन नुकसान से बचने के लिए कंटिनजेंसी प्लान्स को अप्रोच करते हैं कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और नेचुरल फैक्टर जो बदल रहे हैं उन बदलते फैक्टर्स के साथ काम करना सीखें राइट सो दीज आर दिक्स प्लान्स इन द टाइप्स ऑफ प्लानिंग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल ऑपरेशनल सिंगल यूज एंड कंटिजेंसी सिकाज दिस इज अ स्मॉल डेमो विच शोज यू दैट द मेन फोर टाइप्स ऑफ प्लान आर स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल ऑपरेशनल एंड कंटेंजेंसी ऑपरेशनल प्लान्स दो तरीके के भी हम मान सकते हैं सिंगल और स्टैंडिंग यूज़ सिंगल यूज जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एक ही बार या फिर एक तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला जिसमें प्रोग्राम और बजट पहले से बनाया जाता है स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स ये तीन होने जरूरी है क्योंकि ये पूरी कंपनी में सारे लेवल्स एक साथ फॉलो करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लान मिशन ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन एक पर्टिकुलर सरकम को डील करने के लिए बनाया जाता है होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल प्लांट्स लेट्स मूव फर्दर एंड नाउ वी आर गोइंग टू वी वेंट टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव एज आई हैव टोल्ड यू ऑब्जेक्टिव इज वेरी नेसेसरी इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एरो नीड्स एंड डायरेक्शन जैसे एक तीर को एक दिशा की जरूरत होती है उसी तरह हर प्लानिंग को भी एक डायरेक्शन की जरूरत होती है एक एम्बिशन की ज़रूरत होती है क्योंकि अगर आप प्रॉपर ऑब्जेक्टिव नहीं रखते हैं या फिर आप जो सोच रहे हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं कोई ध्येय नहीं तो शायद आपकी प्लानिंग इनफेक्टिव हो जाएगी पॉइंट सेकेंड शो इज़ यूज़ द स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी मीन्स वट एवर यू हैव डिसाइडेड उन डिसीजन को पूरा करने के लिए आप किस तरीके से उस प्लानिंग को अप्रोच करेंगे और कैसे अपने टारगेट तक पहुँचेंगे ये स्ट्रैटेजी आप ही को बनानी होगी जैसे आप सभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हैं आपका ऑब्जेक्टिव है सपोज नाइन्टी परसेंट स्ट्रैटेजी नाइन्टी परसेंट लाने के लिए आपको कितनी देर पढ़ना होगा किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्या स्ट्रैटेजी होगी लर्निंग पे ध्यान देंगे रीडिंग पे ध्यान देंगे या राइटिंग पर ध्यान देंगे यानी इसी तरीके से एन आइडियल स्ट्रैटेजी गिव्स गारंटी टू सक्सेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट राइट यानी जितनी आइडियल आपकी स्ट्रैटेजी होगी आपके बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे थर्ड शोज़ यू पॉलिसी पॉलिसी बहुत ज़रूरी है ठीक है क्योंकि जो जैसे जीवन सिद्धांतों पे चलता है उसी तरह एक कंपनी भी नीति नियमों पर चलती है पॉलिसीज पर चलती है और ये पॉलिसीज़ आपको और ही ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाएगी और यही पॉलिसी आपकी क्रेडिट लिमिट यानी आपकी क्रेडिट बेसिस ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और आपकी गुडविल को इंक्रीज करती है देन पॉइंट फोर एलिमेंट शोज़ यू मैथड एंड प्रोसीजर देखिए आपके पास प्लानिंग के बाद एक अच्छी मैथड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड वॉट एवर यू हैव सेट एड टारगेट फॉर यू यू हैव टू अचीव इट इफ यू विल हैव अ गुड मैथड एंड इफ़ यू विल फॉलो अ गुड प्रोसीजर फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस यूनिट ने ट्राइज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑन एनुअल सेल ठीक है अपने एनुअल सेल से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने की सोची बेसिस ऑफ फिगर अवेलेबल फॉर द क्वार्टरली सेल यानी जो भी उनके तीन महीने क्वार्टरली सेल में जो भी उन्होंने प्राप्त किया जो अचीव किया उन्होंने उन्होंने एक टारगेट रखा कि हम सालाना इतनी चीज़ों को इतने टाइम तक हम ये टारगेट पर पहुंच जाएंगे तो वो जो क्वार्टरली एनालिसिस है वो उनको बताएगा एक एग्जैक्ट पोजिशन देगा कि अगर हम इसी तरीके से काम करें या फिर इसी मेथड से काम करें तो हम जैसे इस क्वार्टर में हमने सक्सेस पाई है वैसे ही हम चारों क्वार्टर्स में बेटर परफॉर्म करेंगे अच्छे मेथड्स के साथ और शॉर्ट टर्म में हम इसे अच्छी तरह पूरा करेंगे विथ हायर एफिशेंसी इन शॉर्ट मैथड का मतलब यही होता है कि आप किसी भी टास्क को कितनी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं यानी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्लान पॉइंट फाइव रूल्स एंड रेगुलेशन ये yes, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर जीवन में नियम नहीं तो जीवन निरर्थक हो जाता है उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ नीति नियम कानून फॉलो किए जाते हैं फॉर एग्जांपल यूजिंग ऑफ मोबाइल इस प्रोहिबिटेड नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेसेस ये कुछ रूल्स हैं पॉइंट सिक्स शोज़ योर बजट बजट इज़ द होल एंड सोल ऑफ अ प्लानिंग क्योंकि वॉट यू आर यू हैव टू डू आपको उसके लिए मनी तो चाहिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सेल्स बजट हो प्रोडक्शन बजट हो या फिर कॉस्ट बजट या फिर कैश बजट ये सारे बजट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को बहुत इफेक्ट करते हैं क्योंकि जितना अच्छा बजट उतनी इफेक्टिव प्लानिंग एंड द लास्ट वन इट्स अ प्रोग्राम प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेक इन योर बिजनेस यूनिट देखिए प्रोग्राम जैसे आप किसी एनुअल फंक्शन में जाते हैं किसी शादी में जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक दूसरी सेरेमनीज होती है उसी तरह प्लानिंग में ये इंग्रीडियंट ये एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही बताएगा कि इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है प्रॉब्लम डू नॉट अराइज टू अकम्पलिश ऑब्जेक्टिव द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली टू सी द वर्क कैरिड आउट बट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इट हैज़ टू बी एंड इट इज़ ऑल्सो टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड सिर्फ काम करना ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं होता है इफेक्टिव तरीके से काम करना ही और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अलॉन्ग विद दिस टू टेक करेक्टिव स्टेप इन डेविएशन, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ये भी जानती है कि इंसान से गलतियाँ भी होगी और इन सारी मिस्टेक्स को हमें सिर्फ रिपीट नहीं करना है इसीलिए हमें बार बार इसे स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है कि हमने क्या सोचा था और हम कहाँ हैं जिससे हम करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं और अपनी फ्यूचर सक्सेस को और बेटर कर सकते हैं सो दीज आर दैवन एलिमेंट्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लानिंग विच आर ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी पॉलिसीज मेथड रूल्स बजट एंड प्रोग्राम्स सो गाइज दिट्स ऑल फॉर दिस टूडेज चैप्टर दीज आर द मेन थिंग्स विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर लाइक कॉन्सेप्ट प्लानिंग इज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन जो भी एक्टिविटी हम करने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है एडवांस में और प्लान करना है कि हम उसे कैसे परफॉर्म करेंगे यानी कंसिडर दैम इन एडवांस एंड प्लान आउट हाउ डू हाउ टू डू दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द बिल गेट्स टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग यानी आप क्या आप कौन किस प्लान को चूज करते हैं यही प्लानिंग का एक मूलभूत सिद्धांत है कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ग्यारह देखे थे ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है सब जगह एप्लीकेबल है प्राइमरी फंक्शन है सबसे पहले होती है कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है यानी ये यह मानसिक तौर पर की जाने वाली प्रक्रिया है फ्लेक्सिबल इसलिए भी है क्योंकि हम इसे चेंज कर सकते हैं प्रिसाइस इसलिए है क्योंकि हर चीज़ हम इसे शॉर्ट में शॉर्ट जितना हो सके हम इसे शॉर्ट में समझ सकते हैं पॉइंट सिक्स शोज यू द फोरकास्टिंग इज एसेंशियल बहुत ज़रूरी क्योंकि प्राइम प्लानिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड टास्क होता है पॉइंट सेवन शोज यू लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव यानी जो भी आपके ऑल्टरनेटिव है ए प्लान ए प्लान बी प्लान सी आप उसमें से बेस्ट चुन सकते हैं फ्यूचर से कंसर्न करता है कंटिन्यूस प्रोसेस है लगातार चलती रहेगी और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है यानी जो भी आप सोचेंगे वो आप काम कर लेंगे अगर आपकी प्लानिंग इफ़ेक्टिव होगी और उसके बाद आता है लास्ट रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस सिर्फ चूज़ करना जरूरी नहीं उसे डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने सिर्फ सोचा है कि मुझे नाइन्टी परसेंट लाने हैं लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे हैं फैसले सही नहीं ले रहे हैं तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है शायद वो पूरा ना हो इसलिए आपको डिसीजनस हार्ड लेने होंगे ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर लें इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है वेस्टेजेस को अवॉइड करती है फ्यूचर की अनसर्टिनिटी को कम करती है प्रिसीजन यानी हर चीज़ शॉर्ट में समझा देती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है मैनेजरियल फंक्शन इससे बहुत स्मूथ हो जाते हैं इम्प्लॉयज़ में कॉपरेशन बढ़ता है कंट्रोल इफ़ेक्टिव स्टैब्लिश हो जाता है और यहाँ तक कि कोऑर्डिनेशन से हम वो एक्टिविटीज़ भी कर पाते हैं जो हम सिंगल हैंडली नहीं कर सकते सो दीज़ आर द नाइन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लान और प्लानिंग अब कुछ लिमिटेशन्स की भी बात कर लेते हैं बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस अब लिमिटेशन्स क्या है अनसर्टिन फ्यूचर भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है प्लानिंग जो कर रहे हैं शायद गलत भी हो सकती है एक्सपेंसिव प्रोसेस पैसा भी काफ़ी लगता है टाइम कंज्यूमिंग है प्लानिंग इज़ इरेवेंट यानी जो आप सोच रहे हैं वही होगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं टेंस टूअर्ड रिजिडिटी देखिए रिजिड इसलिए क्योंकि जो भी आपने प्लान किया प्लानिंग के हिसाब से जाओगे आप तुरंत बार बार अपने प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते तो कुछ रिजिड हो जाते हैं पॉइंट सिक्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो अनसर्टन है जैसे आज आज अभी के समय में आप देख रहे हो कि कितना एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कंपनियाँ चल रही हैं देश विदेश में उन सब पर प्रभाव पड़ रहा है जो बंद है अभी लॉकडाउन में इनकम्प्लीट In इन्फॉर्मेशन ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप प्लानिंग में जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो पूरा नहीं है आपको जानकारी नहीं है किसी चीज़ की किसी फील्ड की और अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को उस फील्ड में ले जा रहे हो वहाँ काम कर रहे हो तो फिर ये बात तय है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं पॉइंट एट शोज़ यू रिस्ट्रिक्शन ऑफ़ एम्प्लॉय क्रिएटिविटी देखिए एम्प्लॉज इसमें क्रिएटिव नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि उसे अपने अकॉर्डिंग टू हायर अथॉरिटीज से साथ मिलकर उनके डायरेक्शन में ही काम करना है वो कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं डाल सकता तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है पॉइंट नाइन शोज़ यू यूज़ ऑफ़ फॉल्टी मेथड्स यानी अगर आप कोई गलत फॉल्टी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके अगर आपके नहीं है क्वालिटी आप मेनटेन नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी प्लानिंग इन इफ़ेक्टिव हो जाती है प्रोसेस एट हमने देखे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना प्लानिंग प्रमाइसिस डिसाइड करना कलेक्शन करना इन्फॉर्मेशन का प्रिपेयर करना ऑल्टरनेटिव प्लान्स कौन कौन से हैं इवेलुएट करना सबको ठीक है उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना फिर उसे अप्लाई करने के बाद इवेलुएट करना ये आठ पॉइंट्स हैं ये प्रोसेस है प्लानिंग की जो आप सभी लोगों को याद रहनी चाहिए क्योंकि मिनिमम फाइव मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो प्रोसेस और इम्पोर्टेंस ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं देन टाइप्स ऑफ प्लान छः प्लान हमने आज देखे स्टैंडिंग प्लान यानी एक ऐसा प्लान जो हर और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करेगी टॉप मिडिल एंड लोअर से स्ट्रैटेजिक मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन जैसा उनका काम होगा वैसी स्ट्रैटेजीज जैसे प्लानिंग का काम जैसे मार्केटिंग का काम है तो उनकी स्ट्रैटेजीज़ अलग होगी प्रोडक्शन का काम है तो उनकी स्ट्रैटेजीज़ अलग होगी और यहाँ पर स्ट्रेटजीज स्ट्रैटिक प्लान्स क्या मत हैं टेक्टिकल प्लान और ऑपरेशनल प्लान लगभग लगभग दोनों सेम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये बनाते हैं डेली रूटीन में क्या करना है क्या नहीं करना है सारा ब्यौरा इन तरीके के प्लान्स पे होता है सिंगल यूज़ प्लान एक ही तरीके के प्लान या फिर एक ही तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले प्लान कंटिजेंसी प्लान यानी सिचुएशन जब बदल रही है चेंजेस हो रही है तो आप प्लान्स को भी चेंज करेंगे जैसे अभी जब लॉकडाउन हुआ अब अनलॉक वन आ गया है तो इस अनलॉक वन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले चलती थी उसके अकॉर्डिंग अब नहीं चल रही है राइट right? तो वो अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं एंड लास्ट कॉम्पोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट यू हैव टू

something about this chapter if you have any kind of doubt or query you can post a comment down there thank you so much for listening to me and for more information about this topic contact us this is our address and on screen you can see the cell numbers too thank you so much for giving your attention on the behalf of devasi international public school vastral i signing off Thank you so much. Stay safe. Stay at home. Hind.